दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ भी जुड़ी होती है। जिसके अंदर अच्छाई होती है उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीकैथलॉन की माई बाइक के अंदर कुछ कमियों के बारे में। अब से पहले की वीडियो में मैंने आपको माई बाइक के बारे में डिटेल में बताया है और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और अब हम इस वीडियो के अंदर इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद और आप देख रहे हैं AK16 ब्लॉग्स। दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके पास कोई भी सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस साइकिल के अंदर, वो ये है कि इसके फ्रंट में शॉकर नहीं दिए हुए, सस्पेंशन नहीं दिए हुए। दोस्तों MTB या हाइब्रिड कोई सी भी साइकिल चलाएंगे तो ये सस्पेंशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप गड्ढे वाले रास्तों से जाते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अपनी साइकिल को चलाते हैं। दोस्तों इसके टायर का साइज़ जो है 26 इंच है। मुझे पर्सनली बड़े टायरों वाली साइकिल ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें मेरे को कम पैंडल के साथ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिलता है। माई बाइक सिर्फ वाइट कलर में अवेलेबल है और वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। दोस्तों एक कमी जो मेरे को महसूस हुई है वो ये है कि इसके ऊपर सिंगल कोटेड ऑफ पेंट है, जिसकी वजह से ये देखिए सिर्फ इस तारों की घिसने की वजह से ऊपर से पेंट उतर गया है। सेम नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस तार की वजह से, इस वायर की वजह से घिसने से पेंट उतर गया है। इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरीके से पेंट उतर गया है। प्लस दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊँ, दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको इसमें रस्टिंग का निशान भी दिखाई देगा। इसके अंदर जो वी ब्रेक्स दी हुई हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। दोस्तों इसके अंदर सीट एडजस्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। अगर मेरी फैमिली में कुछ और लोग हैं जो कि डिफरेंट हाइट हैं, जिनकी डिफरेंट हाइट है, तो उन लोगों को साइकिल पर बैठने के लिए सीट को पहले एडजस्ट करना पड़ता है। इस पर मैं तकरीबन डेली 25-30 किलोमीटर की राइड डेली लेता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे को दिक्कत आती है वो सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से, जब मैं साइकिल को लेके जाता हूँ तो मेरे को जो जर्क लगता है उससे कभी कभार मेरा पैर भी फिसल जाता है। दोस्तों प्लस इसके जो पैंडल्स हैं इसके ऊपर स्पाइक्स नहीं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कभी कभार आपका पैर जो है वो स्लिप कर जाता है, स्पेशली जब आप स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जो एक साथ 3-4 स्पीड ब्रेकर्स होते हैं अगर उनके ऊपर से आप अपनी साइकिल निकालते हैं तो कभी कभार ये आपका पैर स्लिप कर जाता है। कभी भी इन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर आप खड़े होकर साइकिल मत चलाना दोस्तों। दोस्तों इतनी सारी कमियां होने के बाद भी ये साइकिल मेरी फेवरेट साइकिल है क्योंकि ये बहुत ही चीप है, प्लस ये बहुत ही चलने में स्मूथ है। ठीक है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं है लेकिन ऑब्वियसली बात है जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं इस साइकिल के ऊपर तकरीबन 25-30 किलोमीटर डेली राइड करता हूँ और काफ़ी कम्फर्टेबल है, इसकी सीट भी मुझको काफ़ी कम्फर्टेबल लगती है।